हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजू नीटिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशिए का ये देखिए फुल बाजू स्वेटर बना हुआ है। कितना सुंदर डिज़ाइन है। आज आपके लिए ये डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसे मैंने बी गले में बनाया, ये देखिए बी शेप गले में बनाया। और इसके बाजू पे भी ये वाला डिज़ाइन देखिए कैसे सेट किया मैंने। इसका पहले बॉर्डर ऐसे बनाया, डबल क्रोशेट करते हुए तीन रो बनाई है और उसके बाद मैंने डिज़ाइन स्टार्ट किया है, ये देखिए। और जो फंदे मैंने बढ़ाए हैं यहाँ पे शेप के लिए, जो फंदे बढ़ाए हैं उस पे मैंने डबल क्रोशिया किया हुआ है। अगर आपने पूरी पे डिज़ाइन बनाना तो पूरी पे भी डिज़ाइन बन जाता है। मैंने ऐसे डबल क्रोशिया किया हुआ है। पीछे भी, पीछे वाली साइड पर भी पूरी पे डबल क्रोशिया बनाया हुआ है और डबल क्रोशिया के ऊपर यह डिज़ाइन बनाया, ये देखिए। फ्रेंड्स, ये बनके बड़ा सुंदर लगता है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। ये पट्टी भी इसकी मैंने, ये देखिए पट्टी भी डबल क्रोशिया की बनाई है और ऊपर बटन लगाए हैं मैंने। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाना है, सबसे पहले चेन बनाएंगे, नोट लगा लें, ऐसे नोट लगा लिया। अब चेन बनाएंगे, चेन थोड़ी लूज़ रखेंगे। ये देखिए, क्योंकि मैंने डिज़ाइन बताना आपको, उसके लिए इतनी चेन काफ़ी है। चार चार के हिसाब से रख लें, चार चार चेन के ही हिसाब से बनाते जाएं, क्योंकि चार चार के हिसाब से बनाएंगे तो ये डिज़ाइन बिल्कुल सेट आएगा। यहाँ से तीन चेन और बना लेते हैं। अब यहाँ से तीन चेन छोड़ के यहाँ से हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। हर एक चेन में बनाना फ्रेंड्स, कोई भी चेन छोड़नी नहीं है आपने, हर चेन में बनाना है। हर चेन में बनाना, चेन थोड़ी लूज़ रखनी है क्योंकि नीचे से फिर टाइट ना लगे, टाइट नहीं लगना चाहिए नीचे से। हर चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया एक एक। फर्स्ट रो में थोड़ी परेशानी आती है, फिर आगे चल पड़ता है तो ठीक हो जाता है। अब क्या करेंगे, तीन चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे इसको, ऐसे टर्न किया। अब क्या करेंगे, एक चेन छोड़ेंगे, ये वाली एक चेन छोड़ेंगे, आगे वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक आगे वाली में, दो, तीन चेन में तीन डबल क्रोशिया बनाए। ये देखिए, नीचे से तीन चेन, ऊपर तीन डबल क्रोशिया। अब क्या करेंगे, अब यो पीछे हमने एक चेन छोड़ी थी, ये वाली एक चेन छोड़ी थी, वहाँ पे हमें निकालना है। ये देखिए वहाँ पे, ये देखिए यहाँ से सिंगल क्रोशिया से निकालना है, सिंगल, ये देखिए इसको दोनों को ऐसे, ये देखिए ऐसे क्रॉस जैसा आएगा। आगे फिर से एक चेन छोड़ेंगे, ये वाली आगे फिर से तीन, तीन चेन में तीन डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, एक, दो,
तीन, फिर से जो पीछे चेन छोड़ी थी वहाँ ऐसे निकालना है आपने, ये देखिए ऐसे निकालना है यहाँ से, ऐसे थोड़ा लूज़ रखेंगे फ्रेंड्स, इसको ज़रा लूज़ रखेंगे, टाइट नहीं रखना है इसे, यहाँ तक निकालना है ऐसे, ये देखिए क्रॉस जैसा आएगा। फिर से एक चेन छोड़ेंगे, ये वाली चेन छोड़ेंगे और आगे फिर से तीन बार बनाएंगे, एक दो तीन, तीन बार निकाला। फिर से जो चेन छोड़ी है वहाँ से पीछे से ऐसे थोड़ा लूज़ करके यहाँ से, ये देखिए फिर एक चेन छोड़ी, फिर से तीन बार, एक, हर चेन में एक बार, एक दो तीन, लास्ट वाली चेन में ये तीसरी बार, एक दो तीन, ये देखिए। अब फिर से हमने यहाँ पे एक चेन छोड़ी थी जो वहाँ से ऐसे निकालना, बीच में से ऐसे, फिर से ऐसे, ऐसे। फिर क्या करेंगे, एक दो तीन, आपने जितना बड़ा बनाना आगे आगे उतना डिज़ाइन चलता जाएगा। फिर से ऐसे टर्न किया, अब क्या करेंगे, ये वाली चेन छोड़ेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट वाली चेन छोड़ेंगे और आगे वाली तीन चेन में तीन बार निकालेंगे, एक दो तीन, और फिर से ऐसे जो छोड़ी है चेन वहीं से निकालना है, ऐसे ऐसे सिंगल क्रोशिया। फिर से एक चेन छोड़ेंगे, ये वाली चेन छोड़ेंगे और आगे करेंगे तीन बार, एक दो तीन, ये देखिए तीन बार कर लिया। फिर से जो चेन छोड़ी है वहीं पे, ये देखिए वहीं पे ऐसे निकालना है सिंगल क्रोशिया, ऐसे, ये देखिए। फिर से एक चेन छोड़ेंगे ये वाली और आगे, एक दो तीन, तीन, फिर से पीछे वाली चेन को जहाँ से हमने छोड़ा है चेन को वहीं से, ये वाली चेन छोड़ी है तो यहीं से निकालेंगे सिंगल क्रोशिया, ऐसे। फिर से ये वाली चेन छोड़ेंगे और आगे वाली चेन में तीन बार, तीन चेन में तीन बार निकालना है, एक दो तीन, ये देखिए। फिर से जो चेन छोड़ी है वहीं से हमें निकालना है सिंगल क्रोशिया, ये देखिए ये लास्ट वाली चेन में हमें यहाँ से डबल क्रोशिया बनाना है। फिर तीन, एक दो तीन चेन, फिर से फिर इसको टर्न करेंगे, फिर से क्या करेंगे, ये देखिए ये वाली चेन छोड़ेंगे और आगे तीन बार निकालेंगे, तीन चेन में से तीन बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक दो तीन, ये देखिए। अब जो पीछे छोड़ा है चेन को वहाँ से ऐसे निकाल के सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से ये वाली चेन छोड़ेंगे और आगे तीन चेन में तीन बार निकालेंगे, एक दो तीन, ये देखिए तीन बार निकाला। अब फिर से जो चेन छोड़ी है वहीं से निकालेंगे ऐसे सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से एक चेन छोड़ेंगे और आगे तीन चेन में तीन बार करेंगे, एक दो तीन, तीन बार कर लिया। जो चेन पीछे छोड़ी है वहीं से हमें सिंगल, ये देखिए जो चेन छोड़ेंगे उसी में से निकालना है, ये देखिए ऐसे सिंगल क्रॉस कर देंगे इसको, यहाँ से एक चेन छोड़ेंगे, आगे वाली तीन चेन पे तीन बार बनाएंगे, एक दो तीन,
तीन बार बना लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये वाली चेन छोड़ी है तो यहाँ से निकालेंगे, ये देखिए यहाँ से निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। एक दो तीन, तीन चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे इसको, फिर से एक चेन छोड़ेंगे और आगे की तीन चेन पे ये वाली चेन छोड़ेंगे और आगे की तीन चेन पे फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी चीज़ को बार बार रिपीट करते जाना, ये देखते जाइए फ्रेंड्स। ये देखिए जो चेन छोड़ी है वहीं से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना, ऐसे निकालेंगे और दो का एक करें और यहाँ पे ये वाली चेन छोड़ेंगे और आगे की तीन चेन पे तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे सिखाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। फ्रेंड्स आपका सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगेगा, मगर आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ये देखिए इस चेन को छोड़ेंगे और आगे की तीन चेन पे हमें तीन बार करना है। ये डिज़ाइन दोनों साइड से एक जैसा दिखेगा, दोनों साइड से एक जैसा ही बन के आता है। ये देखिए जो पीछे चेन छोड़ी थी वहीं से निकालना हमें, ये देखिए सिंगल क्रोशिया वहीं से निकालना हमें ऐसे। आगे ये वाली चेन छोड़ेंगे तीनों चेन पे, एक दो तीन, तीन बार कर लिया। अब पीछे जो चेन छोड़ी है उसी पे, उसी चेन पे ये देखिए ऐसे तीन बार कर लिया, एक दो तीन। यहाँ से फिर से टर्न करना होगा तो यहाँ से टर्न करके ऐसे, ये देखिए इस साइड से भी ऐसे ही डिज़ाइन आएगा और इस साइड से भी ऐसे ही आएगा, दोनों साइड से ये डिज़ाइन सेम ही बन के आता है। फ्रंट दोनों साइड्स पे ये डिज़ाइन सेम ही बनता है, ये देखिए, ये देखिए दोनों साइड पे, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, दोनों साइड पे ये डिज़ाइन सेम बन के आता है। फ्रेंड्स इसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत सुंदर लगेगा स्वेटर। इसको आप हाफ बाजू पे भी बना सकते हैं, इसको आप स्टॉल भी बना सकते हैं, मफलर भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं इसका, ये डिज़ाइन बड़ा सुंदर लगेगा। बच्चे की फ्रॉक पे डाल सकते हैं, तो इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर योर टाइम, आगे मिलेंगे नई वीडियो के साथ।